श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी दिव्यात्मन को देवभूमि हरिद्वार ऋषिकेश से होली की कोटिशः बधाई। कल जो होली का महापर्व है वह आपके जीवन में आनंद, उत्सव, प्रेम, सौहार्द, सौंदर्य, समृद्धि का और विभिन्न प्रकार से जो अनंत वैभव आपका अधिकार है उसको उपलब्ध होने का यह एक अवसर बने। आपके जीवन में मंगल हो, क्योंकि स्वतः आपके अंदर ही समस्त मंगल का आधार अधिष्ठान उपस्थित है। इस महापर्व पर सभी सनातन धर्मियों और अन्य लोगों को भी जो सनातन धर्मी नहीं होते हुए भी विश्वभर में होली के त्यौहार को मनाते हैं उनको कोटिशः बधाई, अनंत शुभकामनाएं। होली वास्तव में एक अभूतपूर्व और परम सत्य की उपलब्धता, जिस सत्य के उपलब्ध होने के पश्चात परम वैभव, परम आनंद, परम भोग, परम प्रेम और चरम सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है, उसका महोत्सव है। वह परम प्रेम और शाश्वत आनंद का जो महालोक है, सदा आपके अंदर प्रतिष्ठित है, उसका अनंत महासागर, उस आनंद का अनंत महासागर, वह रंग भरा, आनंद भरा रंग प्रतीक है आनंद का। रंग जीवन में आनंद का, सौंदर्य का, हर्षोल्लास का, सृजनात्मकता का प्रतीक है। तो जीवन रंग भरा हो, अर्थात जीवन में उल्लास हो, उत्सव हो, तो वह जीवन स्वतः में ही एक उत्सव बन जाता है। यह मानव जीवन एक महाउत्सव है। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक गतिविधि आपकी महाउत्सव बन जाता है। अगर आप सही अर्थों में अपने अंदर जो अनंत भंडार, जो आनंद का, प्रेम का, सौंदर्य का छिपा है, उससे साक्षात्कार हो जाता है, उसे उपलब्ध हो जाते हैं, तो वहीं होलिका का महत्व है। होली आपके जीवन में अवतरित हो जाती है, रंग भरा हो जाता है जीवन, जब जो परब्रह्म परमात्मा, जो चैतन्यमय आनंदमय शिव, जो आपके अंदर छिपा है, अदृश्य है, परंतु सदा अस्तित्व में है, जब उसका साक्षात्कार होता है, उसका दर्शन होता है, तो होलिका का अवतरण हो जाता है। आपके जीवन की प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल आनंद बन जाता है, क्योंकि आप समस्त बंधन से, समस्त दुख से, समस्त चिंता से, समस्त सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं, परम स्वच्छंदता को उपलब्ध हो जाते हैं, जिसे पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में मुक्ति, मोक्ष और भिन्न भिन्न नामों से कहा गया। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, वैकुंठ धाम, विष्णु पद, ये विभिन्न विभिन्न तत्व उसी एक परम वैभव को उपलब्ध होने का संकेत करते हैं। तो
मेरी यही शुभकामना है, यही प्रार्थना है कि सृष्टि में समस्त प्राणियों में आनंद हो, सुख हो, सौहार्द हो। विशेष रूप से जो इस धरा पर जो मानव समाज है, जो प्राणी मात्र हैं और मानव मात्र तो विशेष रूप से, क्योंकि परमात्मा और परमात्म तत्व को उपलब्ध हो जाने, वह परमात्म तत्व ही और परमात्म तत्व का जो खजाना ही उपलब्ध होने पर महाहोली का महाउत्सव जीवन में अवतरित होता है। वह रंग जो चैतन्यमय है, चैतन्य का रंग है, और वह रंग सदा उपलब्ध है। जब वह रंग आपके जीवन को आलोकित करता है, आलोकित तो प्रत्येक गतिविधि को वहीं करता है, परंतु आपको हमको इसका बोध नहीं हो पाता। जब जब बोध होने लगता है कि हमारे जीवन में वहीं जो चैतन्य तत्व है, जो चेतना प्रकाश है, जब उसका बोध होने लगता है अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि में, और उससे जब अभिन्न संबंध हो जाता है, तो फिर होली का महाउत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो मैं कल जो होली का महापर्व है, वह आप सबके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में उल्लास हो, उमंग हो, महाउत्सव हो, सर्जनात्मकता हो और मौलिकता हो आपके जीवन में, संपूर्ण विश्व में शांति हो, सौहार्द हो, मंगल हो और सह अस्तित्व, सह प्रगति और सह योग की जो शाश्वत हमारी अवधारणाएं हैं सनातन संस्कृति की, वह हमारे जीवन को आलोकित, अनुप्राणित और प्रकाशित करें। इसी कामना के साथ आप सबको होली की कोटिशह बधाई। आप सबके जीवन में होली मंगल हो। आपको मैं यहाँ देवभूमि ऋषि के हरिद्वार से इन हिमालय की पहाड़ियों के दर्शन के माध्यम से उसी आपकी जो परम विराटता है, जो शाश्वत तत्व है, जो अचल अटल तत्व है आपके अंतह में, उसको स्मरण कराने के लिए जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, ये सब कुछ आपके अंदर विद्यमान है और वह अवतरित हो जाए तो अविरल धारा प्रवाहित होने लगती है। तो वह रंगों भरी आनंद की जो अविरल धारा, अनवरत सरिता और अनवरत ज्ञान गंगा प्रवाहित होने लगे चेतना की, तो प्रत्येक पल होली बन जाए। और यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आवाहन है, इसी के निमित्त मेरी प्रार्थना है, संपूर्ण मानव जाति और प्राणी मात्र के जीवन में होली हो, अर्थात आनंद हो, मंगल हो, सृजनात्मकता हो और प्रेम भरा जीवन हो। इसी की कामना के साथ आप सबको होली की कोटिशह बधाई। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।